Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बुलेट ट्रेन के लिए अब देश की जनता को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को महाराष्ट्र की नई सरकार ने दूर कर दिया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण करने की कुछ दिक्कतें आ रही थी। जमीन अधिग्रहण की वजह से बुलेट ट्रेन का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन महाराष्ट्र के सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए सभी तरह की मंजूरियों को मंजूर कर लिया है। सबसे बड़ी बाधा जमीन अधिग्रहण में थी। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया था कि साल 2026 में बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। पहला रूट गुजरात के सूरत से बिलमोरा के बीच होगा। बिलमोरा दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 70 किलोमीटर रूट पर पिलर खड़े कर दिए गए हैं और अहमदाबाद से वापी के बीच 160 किलोमीटर खंड पर काम पूरा हो चुका है। इसी रूट पर 8 नदियां भी हैं जिस पर पुल बनकर तैयार है। बुलेट ट्रेन योजना मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2017 में मोदी सरकार ने देश में पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने की डेडलाइन 2023 रखी गई थी, लेकिन कोरोना और जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो गई। अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर के रूट पर दौड़ेगी। महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 156 किलोमीटर और गुजरात का हिस्सा 351 किलोमीटर का होगा। इस दूरी को बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नापेगी। 12 स्टॉपेज के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को ठीक 2 घंटे 58 मिनट में पूरा करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन में 10 डिब्बे होंगे जिनमें 750 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का रूट क्या होगा। पहला स्टेशन साबरमती होगा और वहां से ट्रेन अहमदाबाद होते हुए आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत के रास्ते महाराष्ट्र में दाखिल होगी। महाराष्ट्र का पहला स्टेशन बिलमोरा होगा, आगे भाईसर, वापी विरार, ठाणे और आखिर में मुंबई के बांद्रा में 12वें स्टेशन पर बुलेट ट्रेन का सफर पूरा होगा। इन 12 स्टॉपेज के साथ बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 98 मिनट में पूरी करेगी। बुलेट ट्रेन की किराए की बात की जाए तो रेल मंत्री ने किराए के लिए फर्स्ट एसी को आधार बनाए जाने की बात कही है, यानी इसका किराया फर्स्ट एसी ट्रेन की टिकट के बराबर होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी किराया होगा वो फ्लाइट के किराए से कम होगा और इसमें सुविधाएं भी अच्छी खासी मिलेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही किराए पर फाइनल डिसीजन होगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस बुलेट वाले सपने को पूरा करने का खर्च कितना होगा। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने में करीब 1,08,000 करोड़ रुपए की रकम लगेगी, जिसमें से करीब 81% यानी 88,000 करोड़ रुपए जापान 0.1% सालाना के ब्याज पर भारत को देगा। जापान के इस कर्ज को भारत 50 सालों में चुकाएगा और कर्ज की किश्त चुकाने की शुरुआत भी 15 साल बाद होगी। अभी बुलेट ट्रेन के लिए भारतीयों को 4 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।